जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। मीन राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि है धन भाव में, और आय भाव के स्वामी शनि हैं और वहाँ पर मकर राशि है। शनि का गोचर पूरे महीने मकर राशि में ही रहेगा, यानी कि आय भाव में ही रहेगा। तो आय भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में ही रहेगा और धन भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर 13 नवंबर से वृषभ राशि में होगा और इससे पहले उनका गोचर मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि से वो वृषभ राशि तक गोचर करेंगे नवंबर के महीने में। धन भाव के स्वामी का गोचर तीसरे और चौथे भाव में पूरे महीने रहने वाला है। तो आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कोई भी नौकरी करते हैं या व्यापार कारोबार करते हैं वहाँ पर आपको आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आय भाव के जो स्वामी हैं उनका गोचर आय भाव में ही है और आपके राशि स्वामी और दशम भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं उनका गोचर मीन राशि में ही रहेगा, यानी कि आपकी राशि में ही रहेगा। तो आय के मामले में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन के मामले में भी अच्छे परिणाम रहेंगे। आपको थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलना होगा, बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि जो आपके आय भाव के स्वामी हैं वो बारहवें भाव के स्वामी भी हैं। तो बारहवें भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में, तो इसलिए आपके अचानक कोई खर्चे व्यापार कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर या परिवार को लेकर हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो धन और आय के मामले में अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर तीसरे भाव में अच्छे परिणाम ही देगा और चौथे भाव और तीसरे भाव में ही उनका गोचर भी रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। व्यापार और नौकरी की बात करें तो दशम भाव के स्वामी का गोचर आपकी राशि में ही है, दशम भाव में धनु राशि है। तो व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर नवंबर के महीने में मीन राशि वालों को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, मतलब आपकी आय अच्छी जब ही होगी जब आप मेहनत करेंगे। लेकिन आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में परिणाम तो अच्छे ही मिलेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हों, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हों और चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करते हों, नवंबर का महीना आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। आपको दौड़ भाग और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो भी यात्राएं आपकी होंगी व्यापारिक, वहां पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा महीना जाने वाला है मीन राशि वालों का। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल ही हैं और उनका गोचर तीसरे भाव में और चौथे भाव में है। तो दूसरे भाव के स्वामी यानी परिवार भाव के स्वामी का गोचर तीसरे और चौथे भाव में रहेगा, जो कि वाणी का भाव भी है। तो आप ध्यान रखकर चलें कि दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं जिनका गोचर तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, माता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य ही रखकर चलना होगा, क्योंकि वाणी में थोड़ा सा आपकी कठोरता देखने को मिल सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर कठोरता ना अपनाएं, यानी वाणी पर संयम रखें और शब्दों का सही चयन करें तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें तो पारिवारिक जीवन फिर अच्छा जाएगा नवंबर के महीने में। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में है, इससे पहले वो तुला राशि में है। तो छठे भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव और नवम भाव में रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में नवंबर का महीना आपको अप एंड डाउन दिखा सकता है, यानी कि स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं
और अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी है, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है और स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है और बाहर का खाना खाने से बचना है। इन बातों का ध्यान रखकर चलना है और कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है, खासकर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या, तो उसका ध्यान रखकर आपको चलना है, डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको नवंबर के महीने में परेशान अवश्य ही कर सकती हैं। शिक्षा के मामले में मीन राशि वालों को नवंबर के महीने में परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। शनि आपकी दृष्टि बनाए रखेंगे पंचम भाव पर, जो कि आय भाव और बारह भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएगी, तभी आपको अच्छे परिणाम देगी। क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है और शनि बिना मेहनत के कोई परिणाम नहीं देते हैं, तो शनिदेव की ये दृष्टि आपको ज़्यादा मेहनत करवाएगी। जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको सफलता तभी मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखकर चलें और अपनी एकाग्रता बनाए रखें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वैवाहिक संबंध नवंबर के महीने में अच्छे रहने वाले हैं, गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी जो बुध हैं उनका गोचर 13 नवंबर से वृश्चिक राशि में होगा। इससे पहले वो तुला राशि में रहेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम और नवम भाव में होगा, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद से बचना होगा, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस महीने आपका जीवन साथी थोड़ा बहुत अपने घर की तरफ यानी आपके ससुराल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकता है और इस कारण कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखकर चलें। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी वाद विवाद ना हो। अष्टम भाव में केतु का गोचर चल रहा है और वाणी के भाव में दूसरे भाव में राहु का गोचर है, इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना है, गलतफहमियों से बचना है। और केतु के साथ सप्तम भाव के स्वामी की युति होगी, 13 नवंबर को वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, फिर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो 13 नवंबर तक खासकर ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। जब आप ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी अपने जीवन साथी के सामने ना करें और ससुराल पक्ष के लोगों से भी बातचीत करते वक्त संयम रखें, इन बातों का ध्यान रखकर आप चलेंगे तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो 13 नवंबर के बाद प्रयास करें, तो वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 नवंबर से पहले का प्रयास आपको सफलता दिलाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। चलिए मीन राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो प्रेम संबंधों में आपका साथी बहुत ही ईमानदारी चाहेगा। इस महीने आपका साथी सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की बातें करेगा और आपके बारे में जानने की कोशिश भी करेगा। और अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो आपके साथी को पता भी चल सकते हैं, इसलिए अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका से बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं तो उनको बातें शेयर करें और आप स्पष्टता से अपने साथी से बात करें, अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो। लेकिन इस महीने आपका साथी आपकी जांच परख अवश्य ही कर सकता है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है आपके साथी के साथ, तो ध्यान रखें कि आप 13 नवंबर के बाद प्रयास करें, तो वहां पर आपको ज़्यादा सफलता देखने को मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, तो 13 नवंबर के बाद का जो समय है वो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा, तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। तो मीन राशि वालों को नवंबर के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और फिर आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।